वंदेमातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है, जुलाई माह चल रहा है और वेतन इंक्रीमेंट यानी जो सैलरी इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी तक FMS की तरह जो पे मैनेजर पे ऑप्शन होता था इंक्रीमेंट का, वो ऑप्शन शुरू नहीं हुआ था। और कई साथियों के बार बार कमेंट करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि आप पे इंटाइटलमेंट में जाकर के कर्मचारी का बेसिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि एक जुगाड़ टाइप था। लेकिन जो प्रॉपर प्रोसेस इंक्रीमेंट का है वो अब आ चुका है। आपको किस तरीके से इंक्रीमेंट लगाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आपको DDO लॉगिन में, यहाँ से जैसे DDO लॉगिन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और DDO लॉगिन में जाने के बाद में आपको यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें जो पे इंटाइटलमेंट है या एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। अब इस पर आपको वापस क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे नीचे जो ऑप्शन आएंगे, यहाँ आपको नीचे और आपको यहाँ से स्क्रॉल करना, और यहाँ आपको देखेंगे यहाँ पे इंटाइटलमेंट और उसके आगे आपको लिखेगा मिलेगा सैलरी इंक्रीमेंट। यहाँ आपको सैलरी इंक्रीमेंट ये सेलेक्ट करना है, और ये सारा काम आपको DDO के अप्रूवल रोल में करना है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ से जैसे मैं सैलरी इंक्रीमेंट इस पर आपको क्लिक करना है, मैं आपको लाइव करके बता दूंगा इंक्रीमेंट किस तरीके से लगाना है। अब यहाँ आपको पे ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे 2024 हो गया, पे मंथ जैसे अभी जुलाई 2024 है, इंक्रीमेंट ग्रुप किस ग्रुप में आप इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ जैसे ये ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इस ग्रुप में आपको यहाँ से पे कमीशन है वो 7th सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे फिक्स है उसके बाद में यहाँ 7th पे है। अब यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी कार्मिक होंगे उन सभी के आपको यहाँ नाम शो हो जाएंगे। अब यहाँ इसमें अगर कम है तो यहाँ से आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप में अभी 4 ही कार्मिक हैं। अब चारों कार्मिक जैसे यहाँ से आप देख लें कि जिनका भी इंक्रीमेंट लगाना है वो आप एक बार तो अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद में आपको कार्यालय आदेश है वो निकालना है, और उसके पहले आप देख लें कि इनका बेसिक जो है वो चेंज होता है कि नहीं होता, तो उससे पहले आप चेक कर लें कि इनका बेसिक वर्तमान में कितना है। तो यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो 35,800 है, यहाँ जो भी कार्मिक है इनका 35,800 है, दूसरे का भी 35,800, और तीसरे कार्मिक का 41,500 है, और चौथे जो कार्मिक है उसका 46,500। यहाँ से 41,500 और 46,500, मैं इनको वापस आपको करके भी बताऊंगा कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ एक दूसरा तरीका है कि यहाँ आपको एक्शन बटन पे जाकर के व्यू पे इंटाइटलमेंट में जाकर के यहाँ चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 35,800 है तो अब इसका DA है वो जैसे 17,900 है, उसके बाद में HRA है वो आपके यहाँ जैसे 3222 है। अब ये वास्तव में अपडेट होता है या नहीं होता है तो यहाँ आपको चेक करना, तो ये आप एक बार नोट कर लें या आपके पास रिकॉर्ड हो गए वैसे ही। अब यहाँ से आपको इनको सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे एक एक को सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ से ऑल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आपको जिसमें किसी का इंक्रीमेंट अगर नहीं लगाना है तो उसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ दो चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहाँ प्लीज़ कन्फर्म से उससे पहले पूछेगा कि ITR हैज़ बीन रिसीव्ड और ऑल डिटेल्स आर कन्फर्म एंड वेरीफाइड। दो जो चीज़ें हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपकी जो IPR है वो प्राप्त हो चुकी है, यानी IPR आपके भरी हुई है, और IPR किस तरीके से चेक करनी है, DDO किस तरीके से चेक कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया, बहुत ही मामूली से सेकंड में आपको बिना लॉगिन के सिर्फ DDO कोड से DDO पता कर सकते हैं उनके अधीनस्थ किस किस कार्मिक की IPR है वो अभी ड्यू है। तो पहले आप ये कंफर्म कर लें, अगर किसी कार्मिक की IPR अभी ड्यू है इस साल की तो ऑप्शन शुरू हो चुका है। कई साथियों ने कमेंट किया था तो मैंने बताया भी था कि जल्दी ऑप्शन शुरू होने की संभावना है, और ऑप्शन शुरू हो चुका है, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना करके उसका बताया था। अब जिस भी कार्मिक की IPR बाकी है उसको छोड़ देना है, बाकी कार्मिक का इंक्रीमेंट आपको लगाना है। तो यहाँ से जैसे IPR हैज बीन रिसीव्ड और ऑल डिटेल्स आर कन्फर्म एंड वेरीफाइड, यहाँ ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे यस करेंगे तो कन्फर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको वापस यस पे क्लिक करना है, और योर एप्लीकेशन फॉर सैलरी इंक्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ आपके सामने इस तरीके से मैसेज आएगा कि ये जो 4 कार्मिक है इनका रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ से आगे अब यहाँ एक्सपोर्ट एज एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने इसको एक्सेल पे कर लिया, अब यहाँ से इसे एक्सेल को मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये एक्सेल ओपन होगी तो उसमें भी आपके सामने यहाँ से जैसे एक्सेल ओपन हो रही है तो यहाँ आपके शो हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पे ये शो नहीं हो रहा है तो मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे ये एक्सेल है वो भी शो नहीं हो रही है। तो ये तो हो गया, आपको अब वापस इस एक्सेल में आप चेक कर पाएंगे। अब आपको वापस कैसे चेक करना है, तो यहाँ से आपको वापस जैसे यहाँ जो बैक जाकर के मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ से आपको वापस एम्प्लॉय है जो डिटेल्स है एम्प्लॉय की वो आपको यहाँ से चेक करनी है। तो यहाँ आपके सामने जैसे ये
जो एक्सेल वो खुल रही थी, तो मैं एक्सेल को वैसे बंद कर देता हूँ और आपको जो वास्तविक है वो यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ एक्सेल अब आपके यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ एक्सेल में सबमिटेड आ रहा है, अपडेटेड सक्सेसफुली का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, लेकिन अब ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है तो इसलिए नहीं बता पाऊंगा। तो अब आपको यहाँ जो जा करके यहाँ एम्प्लॉई जैसे स्टेटस या एम्प्लॉई सेंक्शंस में जा करके आप इनकी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ सैलरी सेंक्शंस है, यहाँ जा करके आपको यहाँ अलाउंस वगैरह में किसी में भी जा करके आप उस कार्मिक को चेक कर लेना है। यहाँ से जैसे कोई भी अलाउंस है, जैसे यहाँ अलाउंस सेंक्शन है, अब यहाँ इंडिविजुअल है, इस पर आपको क्लिक करना है और जिस कार्मिक की अभी आपने अपडेट किया था वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं कार्मिक जिनका मैंने अभी आपको बताया था 38,500 का जो इनका बेसिक था, तो उन कार्मिक को सेलेक्ट करके मैं आपको देता हूँ। यहाँ से जैसे आप उस कार्मिक को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अभी जैसे 20 आ रहे हैं तो इसको मैक्सिमम कर लें और उसके बाद में जिस कार्मिक का आपने अपडेट किया था वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये कार्मिक है इनका अपडेट किया था, तो यहाँ से आपको इनिशिएट पर क्लिक करना है और अब यहाँ आप देखेंगे तो इनका जो ये है वो जैसे 35,800 था, तो 35,800 की जगह यहाँ 36,900 हो गया है। इनका जो अभी बेसिक जो 17,900 था DA इसका, वो अभी 18,450 हो गया, यानी 50% इसका हो गया। और HRA जो अभी 3222 था वो बढ़ करके 3321 यानी ये हो गया है। और बाकी जो भी डिडक्शन वगैरह वो आपको डिडक्शन वाले में शो हो जाएंगे। तो एक तो ये है कि आपको प्रत्येक कार्मिक का इस तरीके से इंक्रीमेंट लगने के बाद में ये पूरे ग्रुप का एक साथ लग जाएगा, एक एक कार्मिक की आप डिटेल्स चेक कर लें कि वास्तव में इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा। कुछ कार्मिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनका नाम नहीं आ रहा हो, मैं आपको एक लाइव उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप सैलरी इंक्रीमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे तो मैं एक कार्मिक यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करके आपको देता हूँ जहाँ कुछ समस्या आ रही है, या प्रोफेशनर कोई है तो उसका किस तरीके से होगा या होगा कि नहीं होगा। यहाँ से जैसे मैं ऐसे ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें एक प्रोफेशनल कार्मिक है, तो यहाँ 7th है और यहाँ से सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ ये कार्मिक है, ये प्रोफेशनल कार्मिक है। अब यहाँ लगाने भी चाहेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके का ऑप्शन आएगा और लिखा हुआ आएगा एरर वाइल चेकिंग इंक्रीमेंट बेसिक। ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब है कि ये कार्मिक है, इनका जो है इंक्रीमेंट नहीं लगेगा और वास्तव में क्योंकि ये प्रोफेशनर से और प्रोफेशनर है L8 फिक्स है, इसका मतलब इनका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो आप अगर सेलेक्ट भी कर लेंगे तो यहाँ से रोक देगा क्योंकि यहाँ कोई भी ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा है। अब एक समस्या ये भी हो सकती है कि किसी ग्रुप के किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा हो, तो मैं यहाँ से एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और जहाँ ये समस्या हो सकती है, तो यहाँ से जैसे सर्च ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ इस ग्रुप में एक कार्मिक है लेकिन यहाँ कार्मिक शो नहीं हो रहा है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि अगर आपके भी इस तरह की समस्या आ रही है कि कार्मिक ग्रुप में है और वो प्रोफेशनल नहीं होकर के स्थायी कर्मचारी है, इंक्रीमेंट का हकदार है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो क्या कारण है कि उसका नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ एम्प्लॉय की जो डिटेल्स वगैरह जा करके चेक करनी है। तो मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल बताने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत ही सरल तरीके से आसान तरीके से आप किसी भी ग्रुप से सभी जो जुड़े हुए कार्मिक हैं उनका एक साथ है वो सैलरी इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। इंक्रीमेंट लगाने के बाद में आप ज़रूर चेक करें एम्प्लॉय उसमें जाकर के सेंक्शंस में जाकर के या किसी भी तरीके से कि उनका बेसिक वगैरह वो सारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर उसने IPR भरी है नहीं भरी, तो जो भी कार्मिक है उनसे IPR आप एक बार एक एक कॉपी मंगवा लें ताकि ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि उन कार्मिकों ने अपनी IPR भरी है नहीं भरी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि IFRS 3.0 पे जो जुलाई इंक्रीमेंट का ऑप्शन शुरू हो चुका है। अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपने अभी तक अपना IPR नहीं भरा है तो IPR का ऑप्शन है वो पुनः शुरू हो चुका है, तो आप अपनी IPR यानी अचल संपत्ति विवरण है वो यथाशीघ्र भर लें ताकि आपके इंक्रीमेंट में कोई समस्या नहीं आए। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी IFRS 3.0 से संबंधित जुलाई इंक्रीमेंट के संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।